नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जहां कांग्रेस में घमासान मचा है, वहीं पर नेताओं का दल बदल कर जाना भी या आवागमन जारी है। कुछ नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी तो कुछ हमेशा के लिए जुदा हो गए। ऐसी ही खींचतान के बाद आज एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवीन केडिया ने पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर की पत्नी अवंतिका तंवर पर फोन पर धमकाने का आरोप लगाया। केडिया ने अपनी शिकायत थाने में दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं अवंतिका माकन का कहना है कि उसने फोन पर कोई धमकी नहीं दी, अगर ऐसा कुछ किया है तो केडिया उसे सार्वजनिक करे। वहीं दूसरी ओर शिकायतकर्ता नवीन केडिया का कहना है कि 3 दिन पहले ही वह कुछ कांग्रेसी साथियों के बाद बैठा मीटिंग कर रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने अशोक तंवर को लेकर के कोई बयानबाजी कर दी, जिसमें मौजूदा टिकटार्थी होशियारी लाल शर्मा से जुड़ा मामला भी था। इन बातों की जानकारी न जाने कैसे अशोक तंवर की पत्नी अवंतिका तक पहुंच गई। नवीन केडिया ने आरोप लगाया है कि अवंतिका ने उन्हें फोन पर धमकी दी, जिसके विपरीत अवंतिका तंवर का कहना है कि मैंने नवीन केडिया को कोई धमकी नहीं दी है, अगर उसने कोई सबूत है उसके पास तो वह सार्वजनिक करे। वहीं पुलिस प्रवक्ता सुरजीत सारण का कहना है कि नवीन केडिया ने जो शिकायत दी है पुलिस ने वो दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी सच्चाई सामने आएगी उसके अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। कुछ नहीं, कल शाम 6 बजे के आसपास की घटना है कि मेरे पास अवंतिका माकन तंवर का फोन आया कि आपने ये कहा है कि पंडित होशियारी लाल शर्मा को 50 लाख रुपए में टिकट दिए। तो मैंने उनको विस्तार से बात बताई भी ऐसा हमने कुछ नहीं कहा। हमारे दफ्तर में वैसे यार दोस्त बैठ करके रूटीन में एक चर्चा कर रहे थे। रामा टाइम्स के अंदर 3 तारीख को एक खबर लगी थी कि होशियारी लाल शर्मा जी अवंतिका अशोक तंवर जी की रसोई का खर्चा वहन करता है, इसलिए टिकट मिली। तो कुछ साथियों ने कहा भी इलेक्शन के अंदर भी शरलाल ने बहुत पैसा लगाया, 50 लाख रुपए लगाए इलेक्शन में तंवर साहब के। तो इस तरह की चर्चा चल रही थी, कोई इल्ज़ाम वाला विषय नहीं था कि आपको पैसे किसी ने पैसे लेकर के टिकट दी है। तो उसने कहा भी आपको जो टिकट दी थी उसमें अशोक तंवर ने पैसे लिए थे क्या? तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं लिए, मुझे तो पार्टी ने पैसे दिए थे उल्टे इलेक्शन के लिए। तो वो फिर मेरे साथ थोड़ा सा बदतमीजी से पेश आने लगे। तो मैंने भी उनको, जो कि मुझे शायद नहीं बोलना चाहिए था, मैं भी तू पे आ गया था। वो कुछ ज़्यादा अग्रेसिव हो गए और उन्होंने कहा भी मैं आपको मरवा दूंगी या चकवा लूंगी, मतलब जो उसकी आदत है उस तरह से। मैं ये सोच के इस बात को फोन काट के भी चलो 10 मिनट बाद अपने आप रिलैक्स हो जाओ। तो 2-3 मिनट के बाद एक और टेलीफोन आया, उसका नंबर भी मैंने दिया है। वो आते ही बड़ा बदतमीजी से पेश आया। तो एक दो मिनट के लिए तो मैं भी उसके साथ उसी लहजे में बात करी। फिर मेरे दिमाग और सब साथियों ने कहा भी उसके साथ उस जैसा होने का कोई फायदा नहीं और आप जो है इसका फोन काट दो। तो उसने कहा मुझे अपना एड्रेस बताओ, मैंने उसको एड्रेस बता दिया। बोले हम तेरे को यहाँ से चक्के ले जाएंगे और तेरी लाश भी नहीं पाएगी। तो हमने फिर जो है तुरंत एसपी साहब से बात करी। एसपी साहब ने कहा भी आप जो है सिटी में एक बारी एप्लीकेशन मूव करो और हम आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। और उन्होंने फिर हमने एक एप्लीकेशन दी, उन्होंने पुलिस ने उसी टाइम यहाँ PCR गले की नुकुर पे खड़ी कर दी थी। 2 कांस्टेबल भी भेजे थे। तंवर साहब 5-5 करोड़ रुपए के रोज इल्जाम लगा रहे हैं तो क्या उसको गोली मार देंगे? तंवर साहब हुड्डा साहब, मैंने कहता था तभी मैंने लिख के दिया है और ये प्रशासन का काम है। मेरे साथ जो घटना घटी मैंने वो घटना जो है प्रशासन के नॉलेज में ला दी है। आगे प्रशासन का काम है कि वो मुझे कैसे सुरक्षा देगा। कल ना मुझे मेरे साथ किसी तरह की कोई घटना घटती है, मेरे ऊपर कोई आदमी आकर के अटैक करता है तो उसका सीधा सीधा जिम्मेवार वो लोग हैं जिन्होंने मुझे धमकी दी है और ऑन रिकॉर्ड है कि अवंतिका अशोक तंवर जी की रसोई का खर्चा वहन करता है, इसलिए टिकट मिली है।
तो कुछ साथियों ने कहा भी इलेक्शन के अंदर भी शरलाल ने बहुत पैसा लगाया, 50 लाख रुपए लगाए इलेक्शन में तंवर साहब के। तो इस तरह की चर्चा चल रही थी, कोई इल्जाम वाला विषय नहीं था कि आपको पैसे किसी ने पैसे लेकर के टिकट दी है। तो उसने कहा भी आपको जो टिकट दी थी उसमें अशोक तंवर ने पैसे लिए थे क्या? तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं लिए, मुझे तो पार्टी ने पैसे दिए थे उल्टे इलेक्शन के लिए। तो वो फिर मेरे साथ थोड़ा सा बदतमीजी से पेश आने लगे। तो मैंने भी उनको, जो कि मुझे शायद नहीं बोलना चाहिए था, मैं भी तू पे आ गया था, वो कुछ ज़्यादा अग्रेसिव हो गए और उन्होंने कहा भी मैं आपको मरवा दूंगी या चकवा लूंगी, मतलब जो उसकी आदत है उस तरह से। मैं ये सोच के इस बात को फोन काट के भी चलो 10 मिनट बाद अपने आप रिलैक्स हो जाओ। तो 2-3 मिनट के बाद एक और टेलीफोन आया, उसका नंबर भी मैंने दिया है। वो आते ही बड़ा बदतमीजी से पेश आया। तो एक दो मिनट के लिए तो मैं भी उसके साथ उसी लहजे में बात करी। फिर मेरे दिमाग और सब साथियों ने कहा भी उसके साथ उस जैसा होने का कोई फायदा नहीं और आप जो है इसका फोन काट दो। तो उसने कहा मुझे अपना एड्रेस बताओ, मैंने उसको एड्रेस बता दिया। बोले हम तेरे को यहाँ से चक्के ले जाएंगे और तेरी लाश भी नहीं पाएगी। तो हमने फिर जो है तुरंत एसपी साहब से बात करी। एसपी साहब ने कहा भी आप जो है सिटी में एक बारी एप्लीकेशन मूव करो और हम आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। और उन्होंने फिर हमने एक एप्लीकेशन दी, उन्होंने पुलिस ने उसी टाइम यहाँ PCR गले की नुकुट पे खड़ी कर दी थी, 2 कांस्टेबल भी भेजे थे। तंवर साहब 5-5 करोड़ रुपए के रोज इल्जाम लगा रहे हैं तो क्या उसको गोली मार देंगे तंवर साहब हुड्डा साहब? मैंने कहता था तभी मैंने लिख के दिया है और ये प्रशासन का काम है। मेरे साथ जो घटना घटी मैंने वो घटना जो है प्रशासन के नॉलेज में ला दी है। आगे प्रशासन का काम है कि वो मुझे कैसे सुरक्षा देगा। कल ना मुझे मेरे साथ किसी तरह की कोई घटना घटती है, मेरे ऊपर कोई आदमी आकर के अटैक करता है तो उसका सीधा सीधा जिम्मेवार वो लोग हैं जिन्होंने मुझे धमकी दी है और ऑन रिकॉर्ड है